और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में बाढ़ के बाद अब तूफान पर खतरा मंडरा रहा है, कच्छ पर मंडरा रहा है चक्रवात का खतरा। अगले कुछ घंटों में तूफान दस्तक दे सकता है। कच्छ में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट भी है। गुजरात में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और आज भी कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के बाद गुजरात के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति है और आज भी कई जिले ऐसे हैं जहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ साथ अब तूफान भी दस्तक देने वाला है गुजरात के कच्छ में, जो कि और परेशानी बढ़ा सकता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात की, जहां पर बारिश के बाद जो बाढ़ के हालात बने हैं वो मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से पूरा गुजरात पानी पानी है। जहां तक नजर आपकी जाएगी सब कुछ पानी में डूबा नजर आएगा। अहमदाबाद की बात करें, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। वडोदरा में भी हालात बेहद खराब हैं, सड़कों के साथ कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं कच्छ की बात करें तो आसमानी कहर जारी है। वहीं अब समंदर में बगावती तेवर भी दिखने वाले हैं। चक्रवात की जो आशंका है, तूफान दस्तक दे सकता है, इसको लेकर भी डर है। खेड़ा द्वारका जामनगर में भी बारिश बाढ़ की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।